अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। करम है अल्लाह पाक का, मैं बिल्कुल ठीक अल्लाह का शुक्र जी। आज मैं आपको प्रिंटर के बारे में बताऊंगी। ये आप देख सकते हैं, इसकी स्क्रीन के बारे में बताऊंगी सारा के प्रिंटर किस तरह से, पेज इंसर्ट किस तरह से करने हैं, और ये देखें इसको फिट, पेज को फिट कैसे करना। ये पेज को फिट कर दिया, सही है। ये देखें, ठंड भी है ना, इस वजह से थोड़ा टाइम लगा है, सर्दी की वजह से बंदे के हाथ पांव नहीं चलते जी। ये देखें, ये देख सकते हैं आप, ये पेपर बिल्कुल फिट है। अब इस पेपर को इस तरह से इंसर्ट करने के बाद ये देखें, यहाँ से मैंने पैकअप भी कर दिया। ये हो गया किस तरह से पेज इंसर्ट की जाती है, और पेज के मुताबिक यहाँ पे सेटिंग की जाती है। इसको वैसे जब आप यूज़ ना कर रहे हो पेज निकालें और इसका बंद कर दें, ठीक है। ये भी सेव है क्योंकि इसके अंदर डस्ट नहीं जाएगी, नहीं तो डस्ट जाके ये सारा गंद बन जाता है, फिर इसकी सफाई करवानी पड़ती है। ये इसको निकालें और पेज इंसर्ट करें। फिर ये देखें टेढ़े ना, ये देख लेना पेज बिल्कुल टेढ़े ना और सारे सेम हैं। अगर ये देख ऐसे लगते हैं कि पेज टेढ़े हैं, इनको ये आगे पीछे हैं, इनको सही इस तरह से कर लें, एक दो दफ़ा इस तरह से करें, देखें ये बिल्कुल सही हो जाएंगे, यानी कि सारे बराबर हो जाएंगे, कोई आगे पीछे नहीं होगा। देखिए इस तरह से ये पेज इंसर्ट करें, इस तरह से पेज इंसर्ट कर दिए, और ये देखो जहाँ तक पेज थे, अगर हम ऐसे आगे भी करेंगे ये रिटर्न हो जाएगा। पेजेस इंसर्ट कर दिए, और आपको मैंने इसकी सेटिंग भी इधर से बता दी कि किस तरह से करनी है। अगर हमने यूज़ करना है तो इसको ओपन कर लेना है, अगर नहीं तो पेपर आउट कर देने हैं, सारे पेपर निकाल लेने हैं और इसको बंद कर देना है। अब ये देखें, अगर जब प्रिंट चाहिए तो हम इस तरह से कर सकते हैं, और इसको साथ में ये कंट्रोलर भी है, ये भी रख सकते हैं। देखा है तो करें, इसको निकाल लें, नहीं तो नहीं, वैसे आपकी मर्ज़ी। वैसे मैं यूज़ नहीं करती होती क्योंकि मैं खुद ही उठा लेती हूँ, इसमें दिल है तो कर लें, क्योंकि ज़्यादा पेजेस अगर प्रिंट निकालने हैं ना, तो फिर ये आपको इसको और कर लें। ये देखें निकाल लें बाइक की तरह, और अब मैं आपको इसकी इंटरनल सेटिंग के बताऊँगी, कार्टेज किस तरह से डालते हैं। इसको यहाँ से लेट आउट करें, ओपन करें, ये देखें इसको ओपन किया, ये इंटरनल व्यू है प्रिंटर का, आप देख सकते हैं कार्टेज डला हुआ है, टोनर इसके अंदर है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि किस तरह से पेज इंसर्ट करते हैं सारा कुछ, और अब इधर देखें इसको निकाल के कैसे, इसको इधर से इस हैंडल से पकड़ते हैं, देखिए ये निकाल लिया। अभी देखिए, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि ब्लैक स्याही जो इसकी रीफिल करते हैं वो ड्रॉप होती रहती है, ये देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी अंदर पड़ी हुई है। ये प्रिंटर का इंटरनल सिस्टम है, लेकिन आप जब भी यूज़ करें, चाहे आपका प्रिंटर प्लास्टिक बॉडी में है, चाहे स्टील में लोहे की बॉडी में है, आप प्रिंटर को ऑफ करके तभी ही करें, क्योंकि अभी मैंने ऑफ किया हुआ है, क्योंकि प्लास्टिक बॉडी में है फिर भी ये देखें अंदर लोहा तो है ना, आयरन की चीज़ें हैं, लोहे हैं, ये सारी, ये देखें ये सारी बॉडी लोहे की है, ये फिर आउटर जो है वो उनका प्लास्टिक में है ना, प्लास्टिक बॉडी है, इनर जो है वो लोहे का है, और इससे करंट लग सकता है। जब भी आपको टोनर इंसर्ट करना हो या कि आप रिमूव करना हो, निकालना हो, तो आप इसको हमेशा ऑफ करें प्रिंटर को, ठीक है। और अगर आपके पेज वगैरह इधर, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है पेपर जैम हो जाता है, तो आपने इधर से पेंसिल से या फिंगर से थोड़ा थोड़ा करके ना इधर से निकालना है पेज को, इसमें
और इसमें अगर पेज ब्रोक हो के यानी कि टूट के ब्रेक हो के इसमें रुक गया तो फिर बहुत मुश्किल होती है, बड़ी मुश्किल से निकालना पड़ता है, इसको फुल खोलना पड़ता है, क्योंकि मैंने इसको खोला हुआ है और तकरीबन इस पर आपके 3-4 घंटे लग जाएंगे। इससे बेहतर ये है कि आप समझदारी से जब पेपर इसके अंदर टूट के रुक जाए तो आप उसको आराम से, क्योंकि उस पेपर जैम कहते हैं, आराम से फिर उसको निकालना है। सही तसल्ली के साथ प्रिंटर ऑफ़ करें, सारी केबल्स निकालें, सिस्टम के साथ जो केबल है वो भी निकालें, ठीक है। और प्रिंटर की अगर फिर भी कुछ शक पड़ता है तो प्रिंटर के साथ जो केबल्स हैं वो 2 केबल्स ही होती हैं, वो निकाल लें, निकाल के तभी आपने वो निकालना है। अभी मैंने ये देखें, ये टोनर निकाला है, अभी ये मैंने न्यूली रिफिल करवाया है, ये देख सकते हैं इसका रिजल्ट अच्छा है, लेकिन ये आपको ब्लैकिश लाइन नज़र आ रही है, इसको देखते हैं। ये देखें मैंने रिमूव कर टिश्यू से, आपने कोई हार्ड कपड़ा यूज़ नहीं करना, वैसे नॉर्मली जो डस्टर मिलते हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, टिश्यू भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको दोबारा इंसर्ट करना है, ये देखें हैंडल से पकड़ा, आगे की तरफ प्रेस किया, ये देखें ये इंसर्ट कर लिया, ये देख लें, यहाँ से पता चल जाएगा कि ये कम्प्लीटली इंसर्ट हो गए मुकम्मल तौर पे, ये देख सकते हैं आप। अगर ना होता ये इधर से भी चेक कर सकते हैं आप, ठीक है, ये इंसर्ट हो गया। ये था आपको प्रिंटर के बारे में बताया, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको कार्टेज के बारे में बताया, प्रिंटर के बारे में बताया कि आप किस तरह से पेपर इंसर्ट कर सकते हैं, उनकी सेटिंग कैसे कर सकते हैं, और कार्टेज को इंसर्ट कैसे करते हैं, रिमूव कैसे करते हैं, निकालते कैसे हैं और डालते कैसे हैं, ठीक है। और इसमें अगर ब्लैकिश इंक हो तो उसको कैसे रिमूव करते हैं, और पेपर जैम हो जाए, पेपर टूट जाए तो उसको कैसे निकालते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि पेपर जब प्रिंट के लिए जाता है 2-2 पेपर भी हो जाते हैं तो एक अंदर ही आधा टूट जाता है और आधा बाहर आ जाता है, और कभी कभी प्रिंट की कमांड ख़त्म हो जाती है, 3-3 पेपर आ रहे होते हैं, एक मिड में रह जाते हैं, 2 निकल आते हैं, इस तरह से भी होता है। तो इस तरह बहुत एहतियात के साथ आप प्रिंटर यूज़ करें। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, और अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए हुई तो लाजमी पूछिएगा, ज़रूर बताऊँगी आपको। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।